पंजाब के अमृतसर में बड़ा रेल हादसा हो गया जिसमें 60 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। जोड़ा फाटक के पास रावण दहन के दौरान हादसा हुआ। जालंधर से अमृतसर जा रही ट्रेन की चपेट में आए लोग पटाखों की आवाज से चलते नहीं सुनाई दे ट्रेन का हॉर्न। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया घटना स्थल का दौरा, कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, घायलों को बेहतर इलाज देने में जुटा है रेलवे प्रशासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर घटना पर जताया दुख, कहा अमृतसर में हुई रेल दुर्घटना को लेकर बहुत दुखी हूं, मृतकों के परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति। पंजाब सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज करेंगे अमृतसर का दौरा, इसराइल दौरे को किया रद्द। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान, प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद रखने के दिए गए आदेश। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू थी कार्यक्रम की चीफ गेस्ट, घटना के वक्त मौके से भागने के आरोप पर दी सफाई, का हादसा होने से पहले ही निकल चुकी थी। अमृतसर रेल हादसे के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बीच में छोड़ा अमेरिका दौरा, तत्काल भारत लौट रहे हैं रेल मंत्री, ट्वीट पर घटना कर जताया दुख। राम मंदिर निर्माण पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा हमें राम मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एएचपी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का अयोध्या कूच पर लगी रोक, प्रशासन ने 22 और 23 अक्टूबर को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम पर लगाई रोक।